महंगाई फिर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से अभी से खौफनाक खबरें आ रही हैं कि गंदम की किल्लत का, चीनी की कमी का सामना हो सकता है और होशरबा इजाफा हो सकता है। अब मुर्गी कीमत को ही देख लें, सरकारी कीमत बताई जाती है 250 रुपये, जबकि मिल रही है 480 रुपये में मुर्गी का गोश्त। अब लोग जाएँ कहाँ, किससे फरियाद करें? दूध है तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और दूध फरोश कहते हैं जी जो सरकारी निर्ख है उस पर तो हमारी खरीद नहीं हो सकती, तो बेचना तो दूर की बात है। अब ये किस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी, जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि सबसे बड़ा मसला मेरे लिए महंगाई है और उसको कंट्रोल करने के लिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हफीज़ शेख साहब हैं, वो भी इस तरफ लगे हुए हैं। तो असद खरल साहब, आपको लगता है कि रमज़ान मुबारक की कीमतें, रमज़ान मुबारक में ये कीमतें कंट्रोल हो सकेंगी? अभी से खतरात का इजहार किया गया है। बिल्कुल, शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि 100 रुपए से ऊपर चीनी जाने का खर्चा, जो पहले भी हमने कहा था कि रमज़ान में 100 रुपए से ऊपर चीनी जानी है, जो मर्जी हुकूमत कर ले, जितने मर्जी कमीशन आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाएँ, पर्चे हो जाएँ, मुकदमे बन जाएँ, कुछ भी नहीं होगा। वजारत खजाई तहफ़ ने कहा है कि जनाब 3 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो मंगवाने की, जो दरामद करने की दरख्वास्त की है। अब ये पहले भी टेंडर हुआ लेकिन महंगी होने की वजह से वो अब दोबारा उसकी टेंडर जारी किया जा रहा है। इस तरह चीनी के वाले से अगर बात की जा रहा है तो 50,000 जो मेट्रिक टन है चीनी का, वो पहला टेंडर है, वो भी महंगी बोली मिलने की बायस मनसूख किया गया, दोबारा अब टेंडर किया जा रहा है। रमज़ान के अंदर यानी 100 रुपए से ऊपर चीनी जाने का खर्चा है। आटा जो है, जिस तरीके से आप देख लें, जो सूरत हाल है, 400 रुपये तक मेरे ख्याल 5 किलो पहुँच जाएगा, और उस हिसाब से लगा लें कि 2,500-3,000 में पहुंच जाएगा एक मन आटा जी, चक्की का जो है। अच्छा, दूसरी जानब जो मुर्गी का रेट है गोश्त का, वो 250 ने जनाब, सरकारी नर्ख तो सिर्फ 214 रुपये है, 470 से 480 रुपये मुर्गी का गोश्त यहाँ पे बिक रहा है, और KPK में अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी 250 जो है तकरीबन वो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख लें, आयल देख लें आप, घी की कीमतों के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, शेयर खुर्दों नोश, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, और रमज़ान में मज़ीद उसमें इजाफा होगा। उसमें जितने भी अदरक, लहसुन, टमाटर, तरह की चीज़ें जो है, यही मसला होता है। और वज़ीरे आज़म साहब ऊपर से कह रहे हैं जनाब के खुर्दनी तेल और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उन पर जनाब आयद जो टैक्स है उसमें कमी की उन्होंने हदायत की है। अब होता यह है कि जब भी नोटिस लेते हैं या वज़ीरे आज़म साहब कोई, उसके ऊपर महंगी तो चीज़ें हो जाती हैं, वो तो हमने उसका असर देखा है। अब कमी की जो हदायत है इस पे मेरा ख्याल अमल दरामद अब होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि देखिए पेट्रोलियम और खुर्दनी तेल यानी खाने पीने का तेल है, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इन पर टैक्सेस जो है वो कम कर दी जाए। और क्या किया जा सकता है कम से कम इंटरनेशनल मार्केट में? तो किसी से झकी झुकी बात नहीं है, इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है, पेट्रोल रिकॉर्ड बना चुका है, इतना महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। अभी सऊदी अरब पर हमले भी हुए, उसी के उसकी वजह से भी ऊपर जा रहा है। तो लिहाजा अब वो तो ये कह रहे हैं कि टैक्सेस कम किए जाएँ ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। फिर कह रहे हैं जी कि आटे, चीनी जैसी बुनियादी शया मुनासिब कीमतों पर फरहमी को यकीनी बनाया जाए, खासतौर पर रमज़ान मुबारक में गंदम की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, रमज़ान का वो अब कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म यही कह सकता है कि अपनी मौशी टीम को एक्टिव कर सकता है कि अभी से देखो, लेकिन अगर कोई ज़खीरा अंदोज़ी पर तुला हुआ है, हराम अब उन्होंने किसी ने कमाना है तो उसके लिए यही है, फिर एक्टिव होकर छापे अभी से शुरू कर दी जाए। लोगों को नज़र आ रहा है रमज़ान आने वाला है, हर साल होता है, ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत है तो ये हो रहा है, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उससे पहले तब भी ये होता था, लेकिन इस दफा जरा बहरान ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं चीनी, गंदम, ये बहरान पहले भी आए हैं। बाबर साहब क्या कहते हैं आप, क्या किया जाए? उसमा साहब, जब मुल्क में ऐसे लोगों की हुक्मरानी रही हो जो कहते हैं पैसा लगाता है तो खाता है तो लगाता है, और ये एक जिम्मेदारी सब पर भारी, तो वो पैसा बाहर भेजते हैं, जब वो पैसा बाहर भेजते हैं तो उससे इदारे कमज़ोर होते हैं, जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और ये जो इस मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो मुल्क कमज़ोर होता है, और ये एक NRO हम बिल्कुल नहीं देंगे, और चाहे जो मर्जी हो जाए, ये जो बाहर लुटी हुई दौलत है इंशाल्लाह ये वापस लेके आएंगे हम सारी, तो बेहतर होंगे हालात सारे अच्छे। मेरा मतलब है कि अगर खान साहब इन तकरीरों से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती तो फिर अब तक मुल्क से तेल भी निकलना चाहिए था और मुल्क में घी शक्कर की नहरें बहनी चाहिए थी। खुदा का नाम ले लें, पंजाब के हालात में आपको बताता हूँ, एक साल से चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा, आप मुल्क को तोता मैना की कहानियाँ सुना रहे हैं, कोई सेक्रेटरी यहाँ पर आकर बैठ नहीं रहा, पूरा पंजाब अल्लाह के हवाले आपने किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस नाम की
चीज कोई नहीं है, महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं है। आप ये कहानियां सुना सुना के कितने दिन और गुजारेंगे? गरीब आदमी जो है उसके पास दो वक्त के खाने की रोटी नहीं है, इन तकरीरों से क्या उसका पेट भर जाएगा? अच्छी तकरीरें दीवारों पर लिख दें, सारे पंजाब में पंपलेट बुकवा दें कि जनाब NRO नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो मैं देखता हूं उसका क्या इंपैक्ट आता है, किस तरह से लोगों को खाना मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। मैं अगले महीने रमजान स्टार्ट हो रहा है, शुगर माफिया कह रहा है चीनी महंगी करेंगे, आटे पे कंट्रोल कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि 10 महीने से इस सूबे का चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। उसने इन 10 महीनों में एक दफा 15 मिनट के लिए अपने सेक्रेटरी से मीटिंग की है। महंगाई के हवाले से कोई इनके पास लाए अमल नहीं है, कोई पंजाब में स्ट्रेटजी नहीं है। KPK का भी यही हाल है। और जब मेरा मतलब जब कोई वाली वारस ही कोई नहीं है, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो बेच रहा है। डॉलर की बात करते हैं जी, 160 रुपये वो सेटल हो गया, उसके बाद कीमतें सेटल हो जानी चाहिए थी। चले पहले 200 का था, 250 का गोश्त मिल जाता मुर्गी का, 300 का मिल जाता। सरकार आज रेट कुछ है, रात को रेट कुछ है, इस दुकान पे रेट कुछ है, उस दुकान पे रेट कुछ है। समझा मेरे साथ आए, एक ही मार्केट में मैं आपको 6 दुकानों पे 6 डिफरेंट रेट्स हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई महंगाई के खिलाफ कोई मैकेनिज्म नहीं है। DC रेट तो मैंने खुद देखे हैं दुकानों के बाहर लगे हुए, मैं खुद लेकिन वो वहां पे दालों को DC रेट मैंने मेरे मोहल्ले में दुकान है, मैंने उससे पूछा, उन्हें DC रेट दिखाया, उन्होंने कहा जनाब मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2000 रुपये सारे दुकानदार दें, आपको रोज़ की ये जो DC रेट की लिस्ट पहुँचा करेगी, 2 या 5 हज़ार रुपये उन्होंने उनसे लिया, और जिसको नहीं होगा उसको हम जुर्माना ठोकेंगे। उन सब ने 5-5 हज़ार रुपया सारे दुकानदार उस मजिस्ट्रेट को देते हैं और एक रेट की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद हर एक की मंथली लगी हुई है, हर एक मजिस्ट्रेट साहब को मंथली पहुंचाता है वहां पर, और आप जो मर्जी बेचते रहें। DC रेट में बकरे का गोश्त 900 रुपये किलो है, मेरे साथ समाधान निकले पूरे शहर में मुझे 900 रुपये किलो गोश्त ढूंढ दें। DC रेट में मुर्गी का गोश्त 210 रुपये किलो है, आए जरा मुझे ढूंढ के नहीं कहाँ पे 210 रुपये मिल रहा है। आटे का रेट DC रेट पे देखिए, मजाक बना हुआ है, DC रेट सर मजाक बना हुआ है। DC नहीं है, वही उसका ही अता पता नहीं है, कमिश्नर का अता पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का अता पता नहीं है। हाँ वो पैसे दे के वो लिस्ट जो है वो रोज लगती है, और उसके पैसे जो है वो मजिस्ट्रेट को पहुंच जाते हैं, मुतलका AC को पहुंच जाते हैं। खान साहब जो है वो तकरीरें कर करके पूरी कौम को सुना रहे हैं। खान साहब इन तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरना, आप NRO देते हैं नहीं देते ये कौम का इशू नहीं है। अगर आपने NRO नहीं देना तो खुदा का नाम है पैसा लूटा हुआ वापिस लेके आए, अगर नहीं लेके आ सकते तो फिर आगे चलें और मुल्क के लोगों के मसले हल करें जो कि आपने करने हैं। मसले हल करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है नहीं है, आपके पास गवर्नर नाम की सूबे में कोई चीज नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मुझे नहीं पता कि कौन चलाएगा। हालात ये हैं कि चीफ सेक्रेटरी वो होते नहीं है, सेक्रेटरी दफ्तरों में नहीं बैठते, इंतजामिया मुतहरक नहीं है, CM इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वहां पर एक मीटिंग कर लेते हैं और उसका उसके फॉलोअप में एक CM मीटिंग कर लेते हैं। जब इत्माद का वोट मिला शेख रशीद साहब ने यही बातें कही कि जी अब गरीब के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने माना ये बात आपकी दुरुस्त है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जी मुल्की सतह पर मुझे सबसे बड़ा मसला नजर आता है बिजली का, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, हम बिजली महंगी करें तो और महंगाई होती है, और अगर हम बिजली सस्ती बेचते हैं सर्कुलर डेट और बढ़ता है और मसाले खड़े होते हैं। और बाकी उन्होंने कहा जी महंगाई सबसे बड़ा मसला है, वो उसको मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये अखलाकी तबाही की वजह से हुआ है। मुझे अखलाकियात तबाह होता है सर, यही क्या फर्क पड़ता है सर, आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि इमरान साहब महंगाई मानते हैं या नहीं मानते? फर्क पड़ता है गवर्नेंस बेहतर करें, फर्क पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, अच्छा। फर्क पड़ता है कि थाने में आम आदमी जाए उसको रिलीफ मिले, फर्क पड़ता है कि यहाँ पर अफसर लोगों को अवेलेबल हो, लोगों के काम हो, महंगाई के हवाले से दुकानों पे छापे पड़े, 2.5 साल लोगों को चलान दिया जाए। 2.5 साल में अखलाकियात इमरान खान ठीक कर देगा इस कौम की, या ये सारे सियासतदानों की जो पैसे देकर जनाब सेनेट में आ जाते हैं,
फौरन तो नहीं ठीक हो जाएगा या सारे अफसरान को? ये अभी आपने ये लिख के दिए कि सेनेटर अब्दुल कादिर साहब जो है मेरिट पे इलेक्ट होके बलूचिस्तान के सेनेटर बने हैं, आज उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। ये मेरिट आप कह रहे हैं सर? ये मेरिट चलेगा पाकिस्तान में? तरीके इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था उसको, वापस ले लिया था। बहरहाल ये है कि दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।